हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रीति और आज मैं फ्रेंड लेके आई हूँ खीरा की हलवे की रेसिपी है फ्रेंड। तो चलिए, मैं बनाई तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। ये मैंने कान्हा जी के लिए भोग के लिए बनाया था फ्रेंड, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ले लिया था खीरा, उसको मैं अच्छे से धो के छिल लूँगी और छिलने के बाद भी धो लूँगी। और ये देखिए, मैंने दोनों को छिल कर रख लिया है फ्रेंड। मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था फ्रेंड, सिर्फ मुझे भोग के लिए बनाना था, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। ये देखिए, इसको मैं कर लूँगी कद्दूकस दोनों खीरा को। और ये देखिए फ्रेंड, मेरे दोनों खीरा को मैंने कद्दूकस कर लिया है फ्रेंड। और इसको मैं ना अपने हाथों के सहायता से फ्रेंड, इसका जो भी पानी है उसको मैं निकाल दूंगी, जिससे कि ना हमारा हलवा जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि पानी ही जलने में टाइम लगता है। और इसका हम जब पानी निकाल देंगे तो ये जल्दी से बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने हाथों से अच्छे से पानी को निकाल दिया है। देखिए इतना पानी निकला है। और ये हमारा हलवा के लिए खीरा हो गया है रेडी फ्रेंड। तो चलिए, अब हमने कढ़ाई को गैस पे रख लिया था, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी फ्रेंड। तो अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, छोटे चम्मच घी डालेंगे फ्रेंड। तो 2 चम्मच मैंने घी लिया। और ये देखिए, जो हमने कद्दूकस करके खीरा रखा था, घी में अच्छे से इसको देखिए, हम खीरे को भून लेंगे फ्रेंड, और जिससे कि इसका जो भी पानी है वो सूख जाए। तो अच्छे से हम इसको भून लिए हैं फ्रेंड। और ये देखिए, 2 मिनट तक हमने भूना, फिर इसके बाद इसमें अब पानी ज़्यादा नहीं रह गया है फ्रेंड। तो ये देखिए, फिर भी मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ। और अब हम इसमें शक्कर डालेंगे फ्रेंड, शुगर को डालेंगे। और ये देखिए, 1 चम्मच मैंने इसमें शक्कर ऐड कर लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा हलवा नहीं बना रही हूँ फ्रेंड, तो इसलिए 1 चम्मच ही काफ़ी रहेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा हलवा लग रहा है देखने में। और लगभग हमारा हलवा तैयार हो चुका है फ्रेंड। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है, 2 मिनट ड्राई फ्रूट को डाल के अच्छे से इसको मैं चला लूँगी। चलाने के बाद फ्रेंड, इसको मैं 1 कटोरी में निकाल दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने 1 कटोरी में इसको निकाल लिया है फ्रेंड, और देखने में वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, उस ऊपर से आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो फ्रेंड। और मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं किया था फ्रेंड, खाली काजू, बादाम और किशमिश ही यूज़ किए थे। आप और भी डाल सकते हो फ्रेंड। तो ये देखिए, मैंने कान्हा जी की कटोरी में अपने निकाल दिया था खीरे का हलवा। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि आपको कैसा लगा ये खीरे की रेसिपी, आप ज़रूर बताइएगा। और आप भी अपने कान्हा जी के लिए भोग बना सकते हैं फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।